कौन हो तुम? तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे और हमसे चाहते क्या हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारी बलि देना चाहता हूँ। ये सुनकर राकेश, मीरा और पिंटू डर जाते हैं। मीरा और पिंटू रोने लगते हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें यहाँ से जाने दो। बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे अमर होना है। आज अमावस की रात है। आज अगर मैंने किसी इंसान की बलि नहीं दी तो ये मौका 10 सालों के बाद आएगा। पर मेरी किस्मत देखो, मुझे एक नहीं बल्कि 3-3 लोग बलि के लिए मिल गए। प्लीज हमें जाने दो, हमें मत मारो। हमारा छोटा सा बच्चा है, इस पर तो तरस खाओ। हम अगर तरस खाने लगे तो सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो जो किसी भी राह चलते इंसान पर भरोसा कर बैठे। अब तो तुम्हारी बलि निश्चित है। राकेश और मीरा को अब समझ में आ जाता है कि ये वही तांत्रिक महाराज हैं जिनके साथ वो इस कुटिया में आए थे। मैंने कहा था ना राकेश, कुछ गड़बड़ है। ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हमें जाने दो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। मीरा और पिंटू लगातार रोते रहते हैं। राकेश को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और हवन में बहुत कुछ डाल रहा है। अचानक हवन में से थोड़ी सी आग उड़कर राकेश की रस्सी पर लग जाती है, जिससे रस्सी जल जाती है और राकेश के हाथ खुल जाते हैं। राकेश चुपचाप तांत्रिक की नजर से बचते हुए धीरे से मीरा की रस्सी खोलता है, फिर पिंटू की रस्सी खोलता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहां तांत्रिक को भी पता चल जाता है कि ये तीनों यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन वो इनका पीछा नहीं करता बल्कि वहीं से अपनी तंत्र विद्या से इन तीनों को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद तेज हवाएं चलने लगती है, आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। तुम में से कोई भी मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। राकेश, मीरा और पिंटू तीनों गड्ढे में छुप जाते हैं। तभी मीरा की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जो कि छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। राकेश वो देखो, सामने एक मंदिर है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये तीनों के तीनों गड्ढे से निकलकर उस छोटे से मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से तांत्रिक की शक्तियां